एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है रात का टाइम और रात की आरती में मैं गई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी आज शेयर कर दूँ और माता रानी के दर्शन भी करवा दूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर अभी चल रही है फ्रेंड्स आरती। मैं आरती में आई हूँ आरती करने के लिए। तो जहाँ पे गणपति जी आए थे ना पहले, उसी जगह पे सेम माता रानी रखी गई हैं हमारी कॉलोनी में। तो चलिए आरती हो रही है, आप लोग भी कर लीजिए मेरे साथ में आरती। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने और इस्माइली ने आरती कर लिया, उसके बाद घर आ गए हैं। और नीचे हो रही है अभी देखिए डांडिया, सब मिलके डांडिया खेल रहे हैं। आप लोग भी देखिए, थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया है और एंजॉय करिए। आप लोग देख रहे हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से डांडिया खेला जा रहा है ना, मतलब कि एक एक करके देखिए, मतलब दो सर्कल बनाए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज डांडिया हो रहा है, रोज मतलब ऐसे भी करते, बिना डांडिया के भी करते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है फ्रेंड, आज मैं जिमा रही हूँ, कन्या संडे का दिन है। तो आज सुबह से ही जो है तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पे बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाई है मैंने, आलू और चने की, कन्याओं के लिए, क्योंकि कुछ कन्याएं सब्जी खा लेती हैं, कुछ नहीं भी खाती हैं, जैसा खाएंगी उस तरह से मैंने बना दिए। लेकिन और यहाँ पर मैंने हलवा बना रही हूँ अभी मैं सूजी का। तो यहाँ पर अभी सूजी भुनने की तैयारी चल रही है, कुकर में चने रखे हैं, हलवा भी बनेगा एक साइड में जो है, जब तक हलवा बनेगा ना तब तक मैं यहाँ पर चने भी भुनूंगी एक साइड में। लेकिन सारा कुछ ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि इतनी जल्दबाजी रहती है ना, फिर सारा खाना बनाना होता है, कन्याओं को बुलाना होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी जो है ना पूजा हुई है, जस्ट अभी प्रसाद वगैरह सब कुछ मैंने चढ़ा दिया, हवन आरती सब हो चुकी, क्योंकि आज मैं खिलारी जा रही हूँ कन्या, तो बस कन्याएं ही बस आने वाली है थोड़ी देर में। तो मैंने यहाँ पे पूजा हवन वगैरह सब कुछ कर दिया है और मैं सुबह से कोई ब्लॉग मतलब आप लोगों के साथ अच्छे से कुछ शेयर ही नहीं कर पाई हूँ क्योंकि काम इतने होते हैं, फिर खाना वाना बनाना था प्रसाद का सब कुछ कन्याओं के लिए भी, तो नहीं मुझे टाइम मिल पाया।
तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा चलो अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ, कुछ बात करूँ आप लोगों से। तो सारा खाना मेरा बन के तैयार है, बस करने आए आ जाए। ये देखो सब कुछ बन के तैयार है, पूड़ी वगैरह अभी अभी जस्ट बनाई है, बस जैसे ही करने आए आती है फिर हम कन्या खिलाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये हलवा बन के तैयार हो रखा है, चने भी बन गए हैं और किचन पूरी फैली पड़ी है। बेटा शोर नहीं, तो मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, बस खाली कन्याओं का इंतजार कर रही हूँ। देखो मैंने सब कुछ यहाँ बिछा लिया है, बस एक कन्या आई है अभी और स्माइली है, तो बस आती। बेटा शैतानी स्माइली शैतानी, तो बस जैसे ही कन्याएं आती है तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपना। तो गाइज अभी कुछ देखिए कुछ कन्याएं आ गई हैं, तो जितनी आई हैं आंटी बोल रही हैं जितनी आई हैं उतनी कन्या खिला दो, फिर थोड़ी देर में एक बाद में दो कन्या और रह गई थी तो उनका वेट कर रही थी, लेकिन वो थोड़ा देर से आई थी। तो अभी जितनी आई हैं जब तक ये खाएंगी तब तक वो भी आ जाएंगी, तो तब तक मैं इनके पैर वैर धुलाऊंगी, तिलक लगाऊंगी, जब तक और भी आ जाएंगी। तो बस वही चल रहा है और स्माइली का मूड खराब हो चुका है। तो अभी जो है बाकी जो कन्याएं रह गई थी ना दो, वो भी आ गई हैं, तो पूरी 9 कन्या हो गई थी मेरी। बहुत मतलब अच्छा रहा कि पूरी 9 की 9 कन्या, जो 9 माताएं होती ना, 9 देवियां, तो पूरी माताएं आ गई थी स्माइली को छोड़ के। स्माइली को मिला के 10 हो रही थी, लेकिन अपनी घर की कन्या को नहीं माना जाता है, तो वैसे 9 कन्याएं पूरी हो गई थी सबको। देखिए मैंने टिफिन मंगवाए थे छोटे छोटे, पिंक कलर होंगे वही मैं दे पाऊंगी। आंटी मेरे को पिंक कलर दे दो, मेरे को पिंक, मेरे को पिंक जिसको जिसके पास जो आ गया वही पेड़ छोड़ सब सकते। अब देखिए वो आंटी चली गई हैं, उनकी नातिन आई थी दो, उनको लेकर आई थी, तो आंटी चली गई। अब यहाँ पे स्पेस हो गया, जहाँ स्माइली को बैठना था ना अब बैठी है ये जाके। तो अभी इसके मैंने पैर धुलाए, तिलक लगाया है, वरना ये फिर बाद में बोलेगी मेरे को नहीं किया तुमने ऐसे, मुझे नहीं किया। तो इसको भी फिर खाना वाना सर्व करके दे रही हूँ, तब अब जाके ये बैठी है तब से। तो फ्रेंड्स कन्या जो है कन्या भोज हो गया है। अभी देखो सब ऐसे ही मतलब नीचे ही रखा है, क्योंकि तुरंत यहाँ पे सफाई नहीं करी जाती जब कन्या खा लेती हैं, और सब कन्याएं खेलने चली गई हैं बाहर। और आज स्माइल ने इतना परेशान किया है, इतने नखरे दिखाती है वो, किसी बच्चे को प्यार नहीं कर सकते उसके सामने। अगर किसी बच्चे को थोड़ा प्यार से करते, अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा ये रहता है ना कि हमारे घर पे आए हैं रोने ना लग जाए कहीं, तो मैं थोड़ा प्यार कर दूँ तो चिढ़ जाती है कि भाई मम्मी ने किसी और को क्यों प्यार किया। बस बाहर बार गुस्सा हो के नीचे स्टूडियो पे पहुंच जा रही हूँ, मना मना के ला रही हूँ। उसका मुंह ही बना रहा है, सबसे आखिरी में बैठी है, थोड़ा सा बैठी ही नहीं है वो पूरी कन्या में, अब खेलने निकल गई है बाहर बच्चों के साथ में। यहाँ नहीं बैठूंगी मैं बीच में बैठूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, बड़ा परेशान करती है बहुत ही ज्यादा। तो फाइनली अच्छे से मेरी कन्या जो है कन्या भोज अच्छे से हो गया है, और अब हम लोग भी खाना खाएंगे। अभी सब कुछ यहाँ टेबल पे ही रखा हुआ है,
आज देखो दुपट्टा मैंने कौन सा डाला है, सूट पहना है ऑरेंज कलर का और दुपट्टा डाल दिया है पिंक कलर का। ऐसी नया दुपट्टा था, मैंने कहा आज उसको पहन लेती हूँ मैं। और चलिए अब हम लोग खाना खा लेते हैं, स्माइली को भी बुला लूँ बाहर से, बाहर खेल लिया। आज संडे है, कल उसका एग्जाम है, मंडे को कल से एग्जाम है, इसीलिए मैंने आज कन्या खिला दी है। आज सप्तमी का दिन है लेकिन मैंने आज ही कन्या खिला दी है, क्योंकि फिर कल मंडे ट्यूसडे स्माइली का एग्जाम रहेगा, उसको स्कूल भेजना होता है, फिर नहीं हो पाता। आज क्या है, संडे का दिन है, सारी कन्याएं भी मिल गई हैं बड़े आराम से, आज मैंने खिला दिया है। वरना कल के दिन तो कन्याएं नहीं मिलती हैं, इधर जाएंगी उधर जाएंगी। यहाँ पे इस कॉलोनी में थोड़ा मतलब पता चलता है कि हाँ नवरात्रि है, यहाँ पे नीचे जो है दुर्गा माता भी रखी हुई है, तो इसीलिए इस बार थोड़ा लग रहा है कि हाँ नवरात्रि है तो चलिए अब हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ मैं। भूख लग रही है, अब हम लोग भी खा लें।